तो दोस्तों हमारे भारत में 6.5 फीट की हाइट काफी मानी जाती है, बट इस दुनिया में सबसे लंबा इंसान जिसकी हाइट मापी गई वो 9 फीट की करीब था। यानी कि इस 9 फीट के आदमी की पैंट में 6.5 फीट का आदमी आसानी से आ जाएगा। जानेंगे आज ऐसी ही रोचक बातें। उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज चैटर और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। अपने दुनिया का रिचेस्ट इंसान और दुनिया का सबसे छोटा इंसान तो देखा होगा, पर आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे लंबे इंसान के बारे में। जब आप कोई लंबे इंसान देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही लंबे समय से होता आ रहा है। अमेरिका की रॉबर्ट वार्डलो, जिनकी हाइट करीब 9 फीट के बराबर थी, अपनी लाइफ में उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि कंपनियां उनके पास अपने प्रोडक्ट की ऐड करवाने आती थी। आपने भी अपने अड़ोस पड़ोस में लंबे इंसान देखे होंगे और उनके साथ पिक्चर्स भी खिंचवाई होंगी। आखिर ये इंसान इतने लंबे कैसे हो जाते होंगे? दरअसल हमारे शरीर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। यदि ये हार्मोन बढ़ जाए तो एक जायंट बॉडी का निर्माण होता है। ऐसे ही रॉबर्ट वार्डलो के केस में हुआ। रॉबर्ट वार्डलो जहां अपनी इस हाइट के कारण पॉपुलर हुए, तो यही ये उनके जान के लिए खतरा भी हो गई। ये सिर्फ 22 साल की उम्र तक ही जीवित रहे। उनकी मृत्यु के कारण उनके पैर में इन्फेक्शन था। उनकी खास बात ये थी कि उनका काद 22 साल की उम्र तक भी बढ़ रहा था। जब ये 8 साल के हुए तब ये 6 फीट के हो गए थे और अपने पिता से भी लंबे हो गए थे। 16 साल में ये 8 फीट के हुए और 22 साल में इनका करीब कद 8 फीट 11 इंच का हो गया था। इनका वजन 199 किलो था। इतने वजन को संभालने के लिए वो 12 नंबर का जूता पहनते थे, जो आज भी म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। इन्होंने लॉ की स्टडीज की थी, तभी इनकी हाइट 8 फीट 4 इंच का था और उन्हें चलने में भी परेशानी होने लगी थी, परंतु उन्होंने कभी भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया। ये शूज कंपनी में एडवर्टाइजिंग भी कर लेते थे, जिसके बदले में वो कंपनी उनको फ्री में शूज देते थे। ऐसे ही एक शूज के ऐड के समय उनके पैर मुड़ा और नीचे गिर गए। उनके पैर में बंधे हुए फेस इनके घाव के कारण बने और वो घाव इन्फेक्शन में बदल गए, और वो इन्फेक्शन इतना बड़ा हुआ कि वो सिर्फ 22 साल की उम्र में पूरे संसार को अलविदा कह गए। पर वो आज भी पूरे दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताइए, और अपनी दोस्तों से भी इस महान व्यक्ति के बारे में बताएं और वीडियो के शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ चैटर को।